अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सा शलजम चिकन का सालन। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। पैन में डालेंगे हम 1/3 कप ऑयल, यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा। इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और इसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इनको टमाटर के साथ ग्राइंड कर लेंगे। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। मैं हमेशा इसी तरह ही प्याज ब्राउन करके उनको टमाटर के साथ ग्राइंड कर लेती हूँ, तो उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। प्याज को ब्राउन करके हमने निकाल लिया था, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो गया है। 1 kg मैंने चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने धो के फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, इसमें जो एक अजीब सी स्मेल आती है। वैसे मैं इसको सिरका लगा के रखती हूँ जिससे इसका सारा जो ब्लड होता है वो निकल जाता है। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, मैं इसमें ये मसाले ऐड करूँगी। 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon भुना हुआ जीरा। ये मैं इसमें डाल के इसके बाद चिकन को फ्राई कर दूँ। चिकन हमारा मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो प्याज मैंने ब्राउन किए थे और टमाटर, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, यानी उनका पेस्ट बना लिया। प्याज जो मैंने ब्राउन किए थे वो मैंने टमाटर के साथ उनका पेस्ट बना लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा पेस्ट बनता है और इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। वरना प्याज जो होते हैं वो पर्पल कलर के वो मिक्स नहीं होते और सालन में तैरते हुए अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं हमेशा सालन में इसी तरह ग्रेवी बनाने के लिए हल्का सा जो मैं शोरबा बनाती हूँ तो मैं इसी तरह ही इसको पेस्ट बना के इसमें ऐड करती हूँ। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, आयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शलजम। 1/2 kg मैंने शलजम लिए थे जिनको मैंने इस तरह स्लाइसेस में काटा है गोल। बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी है और शलजम तो वैसे भी बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वेजिटेबल कोई भी आप सब्ज़ियाँ हैं खाएँ वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च 5 अदद, इसको हम फ्राई करेंगे। सब्जियों को मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती, बस इसको मैं 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी ग्रेवी। चिकन के साथ शलजम भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी और इसको फिर मैं दम पे लगा के रखूँगी। बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैंने इसे सिंपल चावलों के साथ बनाया है, ये बहुत मज़े का है। बस इतना सा ही पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, देसी में ही इसको मैं लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखूँगी जिससे ये इसी में ही पक जाएगी। अब हम इसको कवर कर देंगे और जब तक हमारे शलजम जो हैं वो कुक हो जाएंगे उस वक्त तक हम इसे कवर करके बनाएंगे। हम चेक करते हैं हमारे शलजम और चिकन तकरीबन कुक हो चुके हैं। फ्लेम हम करेंगे ऑफ और इस पर थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मज़ेदार से
शलजम चिकन हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।